मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेल्थ एजुकेशन के अंदर अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने लगे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिसिबल डिजीजेस में। ये आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है गोनोरिया। गोनोरिया एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय गोनोकोकाई प्रोड्यूसेस लोकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक यूरेथ्राइटिस, एंडोमेट्रिटिस, पेरिटोनिटिस इन फीमेल एंड यूरेथ्राइटिस, पेरीयूरल अब्सेसेस एंड एपिडाइमिटिस इन मेल। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन इंक्लूड्स आर्थराइटिस, डर्मेटाइटिस, एंडोक्राइटिस एंड मेनिनजाइटिस। कॉजेटिव मैकेनिज्म जो रहता है इसमें वो आपका होता है नाइजीरिया गोनोरिया, व्हिच इज अ ग्राम नेगेटिव कोकस यूजुअली फाउंड इन पेयर्स विद फ्लैटेंड एडजेसेंट साइट्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है इसका? द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर। अभी आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो इसमें जो आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा वो ज्यादा आपका क्या रहेगा कि जो इन्फेक्टेड जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपने इंटरकोर्स हुआ है तो वो ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंटरकोर्स होगा वो डिजीज कॉज करेगा। ऑर्गेनिज्म एंटर्स थ्रू द यूरेथ्रल म्यूकस मेम्ब्रेन इन द मेल एंड यूट्रिन सर्विक्स इन द केस ऑफ फीमेल्स। Non-gentian transmission of the disease may occur in case of newborns during the passage through the birth canal where the conjoital sac of the newborn gets infected. Incubation period is 3 to 10 days tak hota hai. Clinical features mein jo aapke gonorrhea in males mein, males ke andar acute stage mein gonococcal urethritis is the chief complaint of the male. Symptoms of urethritis includes पूरेट जिसमें आपकी पस वगैरह कंटेन हो जाती है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज यूजली कंबाइंड विद डिसयूरिया जिसमें कि आपके डिसयूरिया मतलब कि जिसमें आपके पेनफुल यूरिनेशन रही, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इट मे ऑल्सो गिव राइज टू द पेरी यूरेथ्रल अब्सेस एंड एपिडाइमिटिस। गोनोरिया इन फीमेल, एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया इन फीमेल्स ऑफन कॉज डिसयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज ड्यू टू एक्सिडेटिव abnormal menstrual bleeding and anorectal discomfort. It may further spread to cause salpingitis, bartholinitis and perimotitis. Gonorrhea in children are during the first year of life. Infection in infant usually results from accidental contamination of the iron. इसमें आपको प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले कि डिटेक्शन ऑफ केस ऑफ गोनोरिया फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन। सेक्सुअल पार्टनर्स ऑफ द डायग्नोस्ड पेशेंट्स आर आइडेंटिफाइड, लोकेटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्रीटेड। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लाइक कंडोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। रीस्ट्रेन फ्रॉम एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशनशिप। हेल्थ एजुकेशन अबाउट एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सो दैट इंडिविजुअल्स ऑल्टर देयर बिहेवियर इन एन एफर्ट टू अवॉइड एसटीडीज। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूरेथ्रल एंडोसर्वाइकल और रेक्टल इन्फेक्शन इज सेफ्ट्रियाक्सोन 250 mg IM सिंगल डोज प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओरली ट्वाइस डेली फॉर 7 days। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन शुड रिसीव 25 to 50 mg पर केजी वंस डेली और 25 mg पर केजी ट्वाइस डेली। यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज 7 days। सेकेंड हमारे पास होती है सिफाइलिस। सिफाइलिस जो है आपकी सबसे पहले हमने पढ़ी है गोनोरिया। सेकंड हमारे पास है सिफाइलिस। सिफाइलिस जो है इट इज अ क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ एक्टिव डिजीज इंटरप्टेड बाय पीरियड्स ऑफ लेटेंसी। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसमें क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय टेरिपोनिमा पैलिडियम व्हिच इज अ थिन डेलिकेट ऑर्गेनिज्म व्हिच 6 टू 14 स्पाइरल्स एंड टैपर्ड एंड्स मेजरिंग 6 टू 15 mm इन टोटल लेंथ एंड 0.2 mm इन विड्थ। इसमें आपका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है, नियरली ऑल केसेस ऑफ सिफाइलिस आर एक्वायर्ड बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट विद इंफेक्टियस लेजंस ऑफ इंफेक्टेड पार्टनर। Less common modes of transmission include blood transfusions or from infected mother to the child through placenta. Incubation period. Its incubation period varies from 10 days to 10 weeks. Average incubation period is 3 weeks. Prevention or control is how we can do it? Detection.
इंफेक्शन ऑफ केसेस एंड ट्रेसिंग द कॉन्टैक्ट्स, सप्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, यूज ऑफ कॉन्डम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, हेल्थ एजुकेशन अबाउट एसटीडीज। जो भी आप इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल है वो आपके ज़्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सेम ही रहेंगे। इसी गनोरिया में भी हमने सेम किया है, इसमें भी हमने हमारा सेम ही है। ट्रीटमेंट में चेंजेस क्या आ सकते हैं, इसमें आपकी पेंसिलिन जी बेंजाथीन इज द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्वायर्ड सेफाइटिस। ऑल्दो इट इज मोर पेनफुल और ऑन इंजेक्शन दैट पेंसिलिन जी प्रोटीन, अ सिंगल डोज ऑफ 2.4 मिलियन यूनिट्स आईएम क्योर्स 95% ऑफ प्राइमरी सेफाइटिस। Some physicians administer a second dose of 2.4 million units 1 week after the first dose of secondary cephalics. But patients with confirmed penicillin allergy can use tetracycline hydrochloride 500 mg orally 4 times a day or doxycycline 100 mg orally twice daily for 14 days. Next, हमारे पास third group of disease आती है, that is AIDS. ये भी आपकी sexually transmitted diseases के अंदर होती है। AIDS के जो आपकी acquired immune deficiency syndrome. AIDS जो है वो it is a chronic infection with HIV and results in the reduced immunity to other infections. HIV is believed to have originated in Africa. The first recognized case of AIDS in US occurred in 1981. Positive organisms जो है इसका, AIDS is caused by HIV, human immunodeficiency virus. HIV infects and gradually destroys the cells in the immune system. Immune system के अंदर जो भी इसके cells हैं वो destroy करता है। और जब ये immune system becomes severely weakened, an infected person is said to have AIDS. Mode of transmission कैसे रहता है इसका? HIV is carried in the body fluids including blood, semen, vaginal secretion and saliva. Sexual contact with an infected person is the most common mode of the transmission. The virus can also be transmitted through infected blood products or blood transfusion. The virus can be transmitted by using or sharing contaminated needles as in the case of drug addicts who use IV drugs and share needles and syringes. HIV infections can be passed from an infected woman to fetus. The virus can be transmitted by using unsterilized piercing, tattooing instrument and blades. नोट क्या रहेगा इसमें, एच आई वी इन्फेक्शन है कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई एवरी डे ह्यूमन कॉन्टैक्ट, एग्जाम्पल शेकिंग हैंड्स बाई कफ्स और स्नीज। इंक्यूबेशन पीरियड में जिसमें अडल्ट में आपके 8 to 10 ईयर्स तक रहती है, चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर्स में जनरल सिस्टम जो है वो विद इन 2 ईयर्स में इसको शुरू कर देता है। सिम्टम्स इसमें क्या रहते हैं आपके, ये आपके 6 वीक के अंदर अंदर इनको आप ये अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। स्वोलन लिम्फ नोड्स, फीवर, फटीग, रैश, एचिंग मसल्स और सोर थ्रोट। दीज सिम्टम्स यूजुअली क्लियर अप आफ्टर अ फ्यू वीक्स एंड मेनी पीपल्स विद एचआईवी इन्फेक्शंस फील कंप्लीटली हेल्दी। प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या रहेगा इसके अंदर, एचआईवी इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टीचिंग एवरीवन अबाउट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एन अर्ली एज। अर्ली एज में हम इसको इन्फेक्शन के बारे में इसको हम बताना स्टार्ट कर देंगे, उनको अवेयर करना है। Adoption of safe sexual practices, to use a condom during sexual intercourse and to avoid sex with multiple partners. ये भी आपका एक इसका prevention का एक तरीका रह सकता है। It is also recommended that both partners have a HIV test before having an unprotected sex in a new relationship. Screening of all products and tissues for transplant for antibodies of HIV should be done. Instruments used for piercing of nose, ear lobes or tattooing should be sterilized. Encourage the use of disposable needles and syringes or use properly coiled needles and syringes. HIV positive people should always inform dental or medical staff that they have HIV infection. HIV positive women should avoid pregnancy. However, antiviral drugs may be given to the HIV positive pregnant women to reduce the risk of transmission to the fetus. Healthcare workers should practice universal precautions while handling blood and blood products, use of gloves and masks. Development of vaccine to prevent infection of from HIV to prevent development of AIDS. ये हमारे sexually transmitted diseases के अंदर gonorrhea, syphilis और AIDS। ये हमारा एक full chapter था communicable diseases में, जिसमें हमने read out किया। सबसे पहले हमने respiratory diseases पढ़ी, ठीक है? उसके बाद हमने
इसमें आपके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस पड़ी, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऑर्थोपोड बोन डिजीज पड़ी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पड़ी। थैंक यू।